पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक दुकान में चोरी हुई, लेकिन कैश जस का तस रखा मिला। दुकान से 50,000 रुपये का लहसुन, अदरक और प्याज चोरी हुआ है। प्याज की कीमतें 100 रुपये किलो तक पहुंचने पर दुकानदार ने दुकान में ये सब जमा कर लिया था ताकि बाद में अधिक मुनाफे में इसे बेचा जा सके। अक्षयदास नाम के व्यापारी ने बताया कि प्याज, लहसुन और अदरक के भरे 50,000 रुपये के बैग मेरी दुकान से चोरी हो गए। अदरक और लहसुन की मात्रा भले ही कम थी, लेकिन उनकी कीमत 12,000 रुपये से ज़्यादा थी। उनकी दुकान पूर्व मिदनापुर के सतहाट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हल्दिया में स्थित है। ये घटना कोलकाता की है। उन्होंने बताया कि मैं हैरान रह गया कि चोर ने मेरी दुकान के अंदर रखे कैश बॉक्स को हाथ नहीं लगाया। मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि करीब 80 किलो अदरक चोरी की गई है, प्याज की भारी मात्रा थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर प्याज चुरा लिए, जिनकी भारी मांग है। खुदरा बाजार में प्याज की कीमत 100 रुपये प्रति किलो है, जबकि अदरक 120 रुपये किलो, लहसुन की कीमत 200 रुपये किलो पहुंच गई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।